निफ्टी का ऑप्शन चेन का जो डेटा है उसको हम गूगल सीट में या नॉर्मल एक्सेल सीट में कैसे इंपोर्ट करें, कैसे हम अपनी एडवांस सीट बनाएं और उसको यूटिलाइज करें। जैसा कि आप लोग देखते हो कि डेली मैं अपनी एडवांस एक्सेल सीट आपके सामने रखता हूं और वहां पे जो मार्केट का जो व्यू है बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है आपको दिखता है। हालांकि ये वीडियो दोस्तों मैंने बहुत समय पहले जो है अपने मेन चैनल निफ्टी व्यू पे जो है पोस्ट कर दिया था, जिसके टोटल जो है 6 पार्ट है और उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने उन 6 पार्ट की मदद से जो है अपना जो सीट है वो प्रिपेयर कर लिया, बट बहुत सारे ऐसे फॉलोअर हैं जिनको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हुई। उसमें इनिशियली उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो हमारा साइट से जो डेटा है, जो वेबसाइट से जो डेटा है वो एक्सेल में कैसे इम्पोर्ट होगा, कैसे हम उसको लेके आएंगे। चूंकि जिस दिन हमने वो एक्सेल सीट बनाई वो ओल्ड डेट था, वीडियो जो है बाद में पब्लिश हुई ऑलमोस्ट 1 महीने बाद, क्योंकि हमने 1 महीने तक बैक टेस्टिंग की। तो उसके बाद जो मैंने लिंक दिया था हेल्प के लिए उसमें से कुछ लिंक वर्क नहीं कर रहे, क्योंकि डेली जो लिंक है वो लाइव में अपडेट होती है, वो वीकली वाइज जो है अपडेट होती रहती है। काफ़ी लोगों के जो है मैसेज आया कि सर ये डेटा जो है इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, कुछ इरर शो कर रहा है। तो ये जो सेशन है मैं आपको इसमें ये बताऊंगा एग्जैक्टली कि वो जो डेटा है कैसे आप इम्पोर्ट कर पाएंगे साइट से। वो चीज़ मैंने उसमें नहीं पब्लिश की थी इनिशियली, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज़ थी, मुझे लगा कि आप लोग जो है उसको इम्पोर्ट कर लोगे, यूज कर लोगे, लेकिन लोगों को जो है दिक्कत हो रही है, कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो उस चीज़ को हेल्प करने के लिए मैंने जो है ये सेशन जो है यहाँ पे आपको देने के लिए जो है प्लान किया, और इसमें मैं यही बताने वाला हूँ कि कैसे वो डेटा इंपोर्ट करोगे। इसके बाद जो आगे की जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरे जो सेशंस हैं, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप जो हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो प्लेलिस्ट है इसमें अवेलेबल है। तो आप हमारे मेन चैनल निफ्टी व्यू पे जाके देख सकते हो, इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, और लास्ट में जब आप देखोगे लास्ट तक तो वहाँ भी आपको लास्ट में वीडियो में सजेस्ट में वहाँ पे शो होगा। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैंने दे दी है। तो इस सेशन को देखिए और आगे का जो पार्ट है वो आप कंप्लीट कर सकते हो, और इसके बाद कोई दिक्कत आता है मुझे ज़रूर जो है कमेंट सेशन में बताइएगा। और अगर आपकी सीट बन जाती है या आपका जो डेटा है इम्पोर्ट हो रहा है, कई लोगों को दिक्कत हो रही थी, वो भी अपने जो है फीडबैक जरूर देंगे, जिन लोगों ने भी मैसेज किया था कि सर मुझे प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो इस एक्सेल सीट का एसएस है वो आप कैसे ले सकते हैं। तो बने रहिए लास्ट तक, आइए शुरू करते हैं। ये सीट दोस्तों काफ़ी यूजफुल है, ज़रूर बनाइए। यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के ट्रेंड दिखते हैं, इसके अलावा स्ट्राइक प्राइस जो है आपको सारी सिचुएशन यहाँ पे दिखती है कि मार्केट में किस हिसाब से जो है पोजिशन डेवलप हो रही है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये हमारी कंप्लीट जो है एक्सेल सीट है, इसको आप पूरी तरीके से जो है बना सकते हैं हमारी वीडियो को जो है देख के। अब आइए हम जानते हैं कि कैसे डेटा को जो है इम्पोर्ट करेंगे एक्सेल सीट में। तो सबसे पहले आपको जो है एक साइट सर्च करनी है जिसका नाम है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल जस्ट गूगल में जो है सर्च कर दीजिए, वेबसाइट के जो है होम पेज पे जाइए और साथ में आप जो अपना गूगल सीट है वो आप ओपन कर लीजिए, ब्लैंक सीट जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमने जो है एक ब्लैंक सीट ले लिया और मनी कंट्रोल की जो साइट है पहले वो भी मैंने ओपन कर दी है। हम इसके अब इस एक्सेल सीट का नाम रख लीजिए ऑप्शन चैन डेटा। अब मनी कंट्रोल पे हम लोग वहाँ पे चलते हैं जहाँ से डेटा लेके आना है। तो आप जो है सीधे मार्केट पे जाइए, मार्केट पे जाने के बाद आप एफेंडो पे जो है क्लिक कर दीजिए, स्क्रीन पे देख के फॉलो कर सकते हैं। एफेंडो पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑप्शन पे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा स्टॉक इंडेक्स, आप सबसे पहले इंडेक्स पे क्लिक कीजिए। इंडेक्स पे सेलेक्ट करने के बाद जो इंडेक्स चाहिए, बैंक निफ्टी चाहिए तो बैंक निफ्टी, निफ्टी चाहिए तो निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी। इसके बाद एक्सपायरी सेलेक्ट कीजिए, जिस एक्सपायरी तो जो करंट एक्सपायरी है वही ले लीजिए, बाकी तो हम लोग ऑटोमेट कर लेंगे बाद में। और यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं कॉल या पुट, और स्ट्राइक प्राइस में भी एटीएम लीजिए या आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट नियरेस्ट का जो है ले लिया। इसके बाद क्लिक कर दीजिए सर्च ऑप्शन पे, देखिए मैंने इसको राउंड कर दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, बाद में कोई परेशानी ना हो, आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ऊपर देखिए लिंक एक चेंज हो चुकी है, इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए। इसको भी मैंने यहाँ से हाईलाइट किया हुआ है कौन से लिंक को जो है आपको लेना है, क्योंकि यहाँ भी कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो जस्ट इस लिंक को सेलेक्ट करके, पूरा सेलेक्ट करके प्रॉपरली जो है इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप दोबारा अपने गूगल के एक्सेल सीट पे आइए। यहाँ पे आने के बाद आप 5th कॉलम में यहाँ पे टाइप कीजिए इक्वल टू इम्पोर्ट HTML, ठीक है, इम्पोर्ट आपको HTML टाइप करना है यहाँ पे। तो आप जस्ट स्क्रीन को देख के भी फॉलो कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ।
इम्पोर्ट HTML लेने के बाद आप यहाँ पे जो है ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, इसको मैंने जूम कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, सही से दिखे। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद ओपन ब्रैकेट ऑटो में आ जाएगा, नहीं आएगा तो ओपन ब्रैकेट ऑन कर लीजिए। इसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा ऑन कीजिए और इस लिंक को जो है पेस्ट कर दीजिए, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा से क्लोज कीजिए, डैश लगाइए, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर टेबल लिखिए, टेबल को क्लोज कर दीजिए डबल इनवर्टेड कॉमा से, फिर कॉमा लगाइए, कॉमा लगा के 5, ठीक है, पहले आपको 5 लगाना है, फिर ब्रैकेट को जो है क्लोज कर दीजिए, क्लोज ब्रैकेट लगा के इंटर की प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आई नो कि यहाँ तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी तो सेकेंड वाले में, क्योंकि आप जो है यहाँ पे ओल्ड लिंक जो है पेस्ट कर रहे थे, अभी ये क्या है जो करेंट का लिंक है, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, सेम यही फॉर्मूला जो है यहाँ भी जो है पेस्ट करना है। उसके पहले आप इसका नाम चेंज कर लीजिए, बैंक निफ्टी, ओके। एंड अब जो है आप सेवेंथ में आके टाइप कीजिए इक्वल टू, इक्वल टू टाइप करने के बाद आप सेम वही टाइप कीजिए, इम्पोर्ट HTML सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, डबल इनटू गामा क्लोज कीजिए, ओपन कीजिए, डबल इनटू गामा ऑन। इसके बाद जो है आप सेम लिंक को जो है यहाँ पे पेस्ट कीजिए, उसको डबल इनटू गामा से जो है क्लोज कर दीजिए, क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पे अगेन जो है कॉमा लगाकर डबल इनटू गामा में लिखिए टेबल, डबल इनटू गामा के अंदर क्लोज कीजिए टेबल को, फिर डैश लगाइए, डैश लगा के 6, 6 लगा के क्लोज ब्रैकेट ऑन करके इंटर की प्रेस कर दीजिए। आपके सामने डेटा इंपोर्ट हो चुका है। आई होप जिसको भी ये प्रॉब्लम हो रहा होगा उनके चेहरे पे एक स्माइल आनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी अचीवमेंट है। कई लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी क्योंकि आप जो है ओल्ड वाले लिंक यूज कर रहे थे, और ये जो लिंक है वो हर वीक में, हर मंथ में चेंज होती रहती है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग निफ्टी का भी करेंगे, बिना स्किप किए हुए फॉलो कीजिए, आगे तक देख लीजिए, फिर आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा। साथ में शॉर्टकट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको दिक्कत हो सकती है। नीचे आप जो है प्लस करके एक और शीट लीजिए, इसका नाम रख दीजिए निफ्टी डेटा। एंड अगेन आप यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आने के बाद इंडेक्स को निफ्टी कर दीजिए। इसके बाद सेम इसी तरीके से एक्सपायरी चेंज कर लीजिए, ऑप्शन में कॉल एंड स्ट्राइक प्राइस में जो भी आपका नियरेस्ट का स्ट्राइक है सेलेक्ट कीजिए, सर्च पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च ऑप्शंस पे यहाँ पे ऊपर जो लिंक जनरेट हुई है, इसको मैंने सामने से हाईलाइट किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इस लिंक को कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए। अगेन एक्सेल शीट पे आइए, सेम 5 कॉलम में आके टाइप कीजिए इक्वल टू, इक्वल टू के बाद इम्पोर्ट HTML सेलेक्ट कीजिए यहाँ से बॉटम से, ओपन ब्रैकेट ऑन कीजिए, डबल इनटू कॉमा ओपन कीजिए, एंड इसके बाद इस लिंक को कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए। इस लिंक को डबल इनवर्टेड कॉमा से क्लोज कीजिए, डबल इनवर्टेड कॉमा से क्लोज करने के बाद आप लगाइए डैश, डैश लगाने के बाद अगेन जो है डबल इनवर्टेड कॉमा में टाइप कीजिए टेबल, उसको भी क्लोज कीजिए, फिर डैश लगाइए, डैश लगा के 5 टाइप कीजिए, क्लोज ब्रैकेट, इंटर की प्रेस कर दीजिए। अगेन जो ये आपके सामने जो डेटा है बेसिक, जो उसका एक्चुअली ढांचा है, ये आ चुका है सामने। अब अगेन जो है सेवेंथ नंबर में आके, सेवेंथ नंबर के सेल में आके फिर से टाइप कीजिए इक्वल टू, इम्पोर्ट HTML एंड अगेन ओपन ब्रैकेट, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन, एंड इस लिंक को, सेम लिंक को जो है कंट्रोल वी करके पेस्ट कीजिए, कॉमा लगाइए, डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखिए टेबल, टेबल लिखने के बाद उसको डबल इनवर्टेड कॉमा से क्लोज कीजिए, एंड उसके बाद जो है डैश लगा के 6, 6 के बाद क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट के बाद इंटर की, जैसे इंटर की प्रेस कर देंगे डेटा आपके सामने लोड हो चुका है। दिस वॉज सो सिंपल दोस्तों, बट कोई दिक्कत नहीं, कई लोगों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि नई चीज़ थी। उम्मीद करूंगा कि इस सेशन के बाद आपको हेल्प हो जाएगी और आपका जो काम है वो हो जाएगा। काम होता है ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके बाद आप इस फर्स्ट पार्ट पे आएंगे, फर्स्ट पार्ट पे यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फॉलोड बाई सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, 5 एंड 6 सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे एक थम्सअप मैसेज ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग ये सारे लोग सीट बनाएं। कोई भी जो ऐसा है जो मुझे फॉलो कर रहा है वो ऐसा ना हो, उसके पास ये सीट ना हो। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस सीट के साथ खड़े रहें मार्केट में, क्योंकि मुझे पता है कि इस सीट की जो इम्पोर्टेंस है कितनी है इंडेक्स ट्रेडिंग में। अगर आप इस सीट को नहीं बना पा रहे, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है इनकेस, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस मैंने दिया हुआ है दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्रोकर्स के लिंक मिलेंगे जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप है। आप किसी भी ब्रोकर से अकाउंट ओपन कर लीजिए, सारे लिंक से अकाउंट जो है फ्री है,
ठीक है। और ईमानदारी के साथ दोस्तों एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिएगा, यहाँ पे शॉर्टकट मत लीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। इस सीट को बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी है, 15 दिन के बाद मैंने रात को 2 बजे तक इस सीट को फाइनल किया था, और मैंने ट्विटर पर भी पोस्ट किया था कि नाउ डन। और एक बार हमारी सीट जो है फेल हो चुकी थी, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने इसको हासिल किया, तो काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों। और मैं आपसे सिंगल कॉइन भी नहीं ले रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ इस ब्रोकर के लिंक से आपका अकाउंट कहीं ना कहीं रहना ही है, तो अगर आप उसको मेरे अंडर रखते हैं तो इस सीट का जो एसएसए आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम लेके ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रस्ट में दोस्तों ये बहुत हेल्प करने वाला है आपको लाइफ ट्रेडिंग में, एक बहुत ही एडवांस एक्सेल सीट है, इसमें आपको क्लियर कट पता चलता है कि आपकी कॉल में बाइंग चल रही है कि सेलिंग चल रही है, पुट में बाइंग चल रही है कि सेलिंग चल रही है। एनएसी के ऑप्शन चैन पे जाओगे तो आपको सिर्फ डेटा दिखता है, यहाँ इस एक्सेल सीट पे आओगे तो आपको सब कुछ दिखता है। तो ये मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है इसको बना लें, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक एक फॉलोअर इस सीट को बना के रेडी रहे और इसके साथ ट्रेड करे, क्योंकि बाय ट्रूथ बाय हार्टली मैं चाहता हूँ कि आपके पास ये सीट रहे, क्योंकि मुझे पता है कि सीट रहेगा तो आपको इंडेक्स में बहुत हेल्प मिलेगा, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्टिव सिस्टम है। ठीक है, मैंने खुद बहुत मेहनत करके इसको बनाया हुआ है और आप ही लोगों के लिए मैंने प्रिपेयर किया था, ज़रूर इसको लीजिए, जो यूज कर रहा है उसको पता है कि इसके कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना हेल्प करता है। तो उम्मीद है कि इस सेशन के बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत है मुझे कमेंट सेशन में बताइए, आई विल हेल्प यू। एंड ये जो सेशन आप देख रहे हैं ये हमारे बैकअप चैनल पर देख रहे हैं, जो आपको सारी जो सेशन मिलेंगे वो आपको मेन चैनल पर मिलेंगे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस टाइप की और भी एक्सेल सीट में देने की कोशिश करूंगा, पहले आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिए। अगर पर सेशन के मुझे 10K व्यू सिर्फ मिल जाएंगे, मतलब मुझे सिर्फ 10K व्यू चाहिए, 10K व्यू जिस दिन मिल जाएगा मैं आप लोगों को एक अनदर एक्सेल सीट देने वाला हूं, जो कि आपको बहुत सरप्राइज करेगा एंड आपको बहुत हेल्प करेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपकी हेल्प जरूर होगी, अपने लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।